राइट टू रिकॉल का विरोध कर रहे सरपंचों पर पंचकुला में हुए लाठीचार्ज के मामले में रादौर से कांग्रेस विधायक डॉक्टर बिशन लाल सैनी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सैनी ने कहा कि गठबंधन सरकार लाठी के दम पर लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। प्रदेश में जब भी कोई आवाज उठाता है तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। विधायक डॉक्टर बीएल सैनी आज नवदेश टाइम से विशेष बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के जो हालात हैं उससे साफ है कि बीजेपी अब कभी सत्ता में नहीं आने वाली है। इस मौके पर उन्होंने ई टेंडरिंग और गैस सिलेंडर में हुई बढ़ोतरी व अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने, जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, इन्होंने तो कसम खा ली है भी कोई भी चार आदमी बटड़े भर के जब आएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे, अपनी कोई मांग मांगेंगे, मांग तो उनकी मंजूर करना दूर की बात है, लेकिन उनको वहाँ से मार पिटाई करके छेद के पीट के भगाने का काम ये शुरू से कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ओपीएस की मांग को लेकर के हरियाणा के बहुत भारी संख्या के अंदर कर्मचारी पंचकुला के अंदर इकट्ठे हुए थे, उनके साथ भी यही बर्बरता हुआ था। बर्बरतापूर्ण रूप से उनको मार पिटाई की गई थी। इसी प्रकार से सरपंचों को लग रहा है कि वे हमारे साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है, हमें चोर चक्का कहा जाता है, हमारी पावरें खत्म कर दी हैं, और उसको लेकर वो पंचकुला के अंदर इकट्ठे हुए कि हम, उन्होंने प्रोग्राम तो रखा कि मुख्यमंत्री को जाकर के अपनी बात को कहेंगे, प्रदर्शन करेंगे मुख्यमंत्री के घर के आगे, तो हर एक कोई भी आदमी कर सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के, जबकि वो जब मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, उस टाइम तो वो आराम से बैठे थे, हर एक षडयंत्र के तहत अगला रास्ता भी रोक दिया गया और पीछे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो बीच में फंस गए। और जब बीच में फंस गए तो जितना भी पुलिस से कार्रवाई हो सकती थी, लाठीचार्ज हो सकता था, मार पिटाई हो सकती थी, सरपंचों को भगा भगा करके मारा। इसकी निंदा, इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और मुझे भी ये देख करके इतना दुख हुआ कि जो बुजुर्ग सरपंच है, महिलाएं हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर कोई सरपंच बुजुर्ग है, वो गिर गया है, गिरे हुए के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई। खैर, सोई गैस की वाक्य में आपने ठीक सवाल उठाया। ये अभी राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, वो जो यात्रा थी उसमें यही मुद्दे लिए गए थे। एक तो जो सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया जाता है उसको लेकर के कि ये गलत है, दूसरा महंगाई और बेरोजगारी, एक तो बेरोजगारी है और ऊपर से ये महंगाई। अब सिलेंडर का कितना रेट था पहले, लगभग 1000 से ऊपर 1100 रुपये के करीब था, ये 50 रुपये और बढ़ा दिए, और पता लगा कि कमर्शियल के अंदर 300 रुपये बढ़ाए हैं, ये तो और कमर तोड़ने की बात है।